जी वीर जी जी, भैन जी, मैं थोड़े एक बाणी चैनल के राही मैसेज जी देना चाहना। जे साडे जथेदार साहब हरप्रीत सिंह जी आप कश्मीर आ रहे हैं, तो वो असी तीन जगह उन्हों का प्रोग्राम रख रहे हैं। एक असी त्राल बोर्डिंग में रखा 14 दिन का प्रोग्राम, फिर 14 शाम का जो प्रोग्राम होएगा वो बागात गुरुद्वारे असी रखा, तो फिर 15 संडे का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी तपैना साहब असी हर साल प्रोग्राम करते हैं, तो उस विचों शमूलियत करे। तो उस तो पहले जोड़े साढ़े इंचार्ज हैं सिख मिशन दे हरपिंदर वीर जी, तो उन्होंने टीम वो कश्मीर आ रही है 3 अगस्त को। तो मैं हर जिन्हें भी साढ़े थोड़े राही ये चैनल देख रहे हैं, तो जिन्हें भी खबर पुज रही है, तो असी वो एक फार्म उन्होंने दे देंगे। कल ही असी एक मैं श्रीनगर मंडे में पुज रहे, तो असी बड़ी जल्दी एक मीटिंग करके सारे जिन्हें साड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट कमेटियां के बाकी जोड़े साड़ियाँ जथेबंदियां जिन्हें साढ़े बाकी ग्रुप ने उन्होंने बुला के असी एक मीटिंग दे राही उन्होंने सारे इलाकों में दस देंगे, तो फार्म भर के सानू जल्दी तो जल्दी दे दें, ताकि जी टीम आ रही है असी उन्होंने बच्चों जिन्हें उन्होंने क्वेश्चन ने असी उन्होंने उस टीम ना मिलाइए, ताकि उन्होंने जिन्हें क्वेश्चन इनकुआरी जो सारी क्लियर हो जाए। तो मैं चाहना कि जोड़ा ये वो मैक्सिमम जिहड़े बच्चे ने असी हाली 100 सीट का वादा कर रहे हैं, तो मैं होर जिहड़ियां सीटां लै लांगा। उस विच साडा नर्सिंग का भी जिस तरह 10 अगर कोई 10वीं पास भी जाना चाहता वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी करना चाहता वो सीटा असी दिलावांगे, ते 10+2 करके जो जाएगा BCA BCOM BSc मैडिकल नॉन मैडिकल कोर्स वास्ते फ्री एजुकेशन ते नाल होस्टल जिहड़ा वो भी फ्री रहेगा। माता साहिब कौर कॉलेज बठिंडा जिहड़ा हैगा उस विच उन्हां दीआं फ्री एडमिशन होणगीआं, ते वध चढ़ के लोग इस विच हिस्सा लैण, ते साडा जिहड़ा जिहड़ा असी सेवा कर रहे हाँ जो हालत है उन्होंने मुख रख के वो लोग इन्हों का फायदा चुकन ते अपने बच्चों नूं बाहर भेजन, ताकि वधिया जिहड़ी एजुकेशन प्राप्त कर सकन। मैं दो हाथ जोड़ के फिर तुहाडे एक बाणी चैनल तो सारी संगत नूं बेनती करदा कि वो अपने बच्चों नूं भेजन, ते नाल ही फार्म भर के सानूं दसण, ताकि जिहड़ी टीम 3 अगस्त नूं आ रही है ते उस तों बाद साडे जथेदार साहब आ रहे ने, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ 15-16 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।